गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक और नए से वीडियो में। और अभी मैं हूँ ओडिशा में। देखो ओडिशा में अभी मैं एक लोकल फैमिली के यहाँ, जैकब भैया के यहाँ, जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो मैं उनके घर पे आया और उनके घर पे आज स्टे किया हूँ। और आज मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ अर्गु वैली। अर्गु वैली है ना जो आंध्र प्रदेश में आता है, और बहुत ही खूबसूरत सी वैली है। और ख़ास बात यह है ना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ ट्रेन से, बाई ट्रेन जाऊँगा, क्योंकि जो वैली के अंदर से जाती है बहुत ही खूबसूरत, और इतने सारे टनल आते हैं जो वर्ल्ड फेमस टनल है इस रूट में। और बहुत ही हाइट पे ये रूट चलता है, बहुत ही हाइट पे ये ट्रेन चलती है। बहुत मज़ा आएगा, बने रहना लास्ट तक। तो देखो अभी वहाँ से हम आए हैं, जैकब भैया लाए हैं एक स्कूल में। स्कूल के बारे में थोड़ा सा भी बताता हूँ मैं, पहले थोड़ा ऑफिस दिखाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग बच्चों, करना है। हेलो गुड मॉर्निंग, ये सब बात तो देखिए डिफरेंट आर्ट, हाँ गेन मोर एंड मोर। हाँ, ये लोग सब वॉलंटियर टीचर, हाँ वॉलंटियर टीचर्स, फ्री में पढ़ाने के लिए आते हैं। सही है भाई, प्रिंसिपल हमारा गेम है छुट्टी में। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, बैठो बैठो। छुट्टी के बाद पहला दिन है स्कूल का, छुट्टी के बाद इसीलिए आज कोई नहीं आया है आज। अच्छा, छुट्टी तो अभी जिस स्कूल में मैं हूँ, ये स्कूल जैकब ये बता रहे थे, कौन सा गुड सफर्ट पब्लिक स्कूल है। देखो इसमें स्कूल में क्या है कि जो भी इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब है, उतने पैसे उतने फीस एफोर्ड नहीं कर पाते, उनको यहाँ पे फ्री में टीचिंग कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। ये देखो, और बता रहे थे कि पहले यहाँ पे अनाथ आश्रम था, और अभी भी है शायद, लेकिन यहाँ पे एक स्कूल बनाया गया है। बहुत ही शानदार काम किया गया है मेरे हिसाब से। और देखो कितना ही खूबसूरत से डिज़ाइन वगैरह, पेंटिंग वगैरह बच्चों ने बनाया है। और साफ़ सफाई देखो, विद्या आश्रम है, तो विद्या आश्रम है ये। पिक्चर वगैरह लगे हैं हमारे स्वतंत्र सेनानी भीम राव अम्बेडकर जी की, गांधी जी। और स्कूल के बीचों बीच इतना पुराना पेड़, ये हमारे नेचर का प्रतीक है। ओके ऑफिस है ये, तो कुछ बताइएगा ऑफिस के, स्कूल के बारे में। मीन्स स्कूल के थ्रू, हाँ मीन्स हमारा स्कूल का नाम है गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल। यहाँ पर हम बच्चों को, मीन्स गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, मीन्स बिना फीस में भी, बिना फीस में, हाँ बिना फीस में, कम फीस में। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर हैं जो मीन्स बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, मीन्स कैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। नॉर्मली डिफरेंट मीन्स डिफरेंट टाइप के मीन्स बच्चे आते हैं नॉर्मली, उन्हें कैसे पढ़ाते हैं वो टीचर, मीन्स आपके किंडरगार्टन क्लास है, मीन्स अप टू किंडरगार्टन टू टेंथ क्लास है। यहाँ पर अभी ही इस ईयर हमारे पास आउट बैच, मीन्स हाँ फर्स्ट क्लास बैच विथ फ्लाइंग कलर्स पास होके गए। अच्छा अच्छा, सही काम कर रहे हैं कि आप फ्री में क्लास दे रहे हैं बच्चों को जो फीस एफर्ट नहीं कर पाते। हाँ, जो फीस एफर्ट नहीं कर पाते देते हैं। और ऑफिस का देखो कितना ही खूबसूरत सा पेंटिंग है यहाँ पे, भीमराव अम्बेडकर जी की, अब्दुल कलाम जी की, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। या बहुत मिल के अच्छा लगा आप लोगों से। आप ऐसा ही करते रहिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए, ये हमारे देश के भविष्य हैं। और जैकब भैया आप जो कर रहे हैं ना वो अलग लेवल की है। आप भीम आर्मी के प्रेसिडेंट भी है, लोगों की हेल्प भी करते हैं, जो नेता वहाँ रह के नहीं कर पाते आप उनके बीच में रह के कर रहे हैं। नहीं नहीं करते रहिए, बहुत अच्छा है। तो देखो ऐसे ऐसे स्कूल हमारे देश में बहुत है, लेकिन ऐसे ऐसे स्कूल में हम जाते हैं ना तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे ऐसे स्कूल को हर एक जगह ज़रूरत है। और ऐसे ऐसे स्कूल को चलाना जैकब भैया जैसे लोगों की भी ज़रूरत है कि ऐसे ऐसे स्कूल को चलाते हैं जहाँ पर लड़के अच्छे फीस नहीं अफोर्ड कर पाते, फिर में भी पढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पर आके। कभी कभी वॉलंटियरली कुछ कुछ कर लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, ये जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैकब भैया भीम आर्मी के प्रेसिडेंट है यार, कभी भी आप जयपुर में आओ तो इनसे ज़रूर मिलना यहाँ पे।
जरूर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो इनको फोन कर सकते हैं, किसी से भी मतलब जयपुर में आ गया आप पूछ सकते हो कि जेकब भैया का नंबर दे दो यार काम मिलना है। हाँ हाँ जेकब भैया बहुत हेल्प कर रहे हैं, मतलब मैं 7-8 दिन से अभी उड़ीसा में हूँ और जेकब भैया के पास ही हूँ। बहुत अच्छा लगा जेकब भैया आपसे मिलकर, और आप जो काम कर रहे हैं ना वो देख के भी मुझे पता चल गया कि हाँ एक्चुअली में आप कुछ हैं लोगों के लिए कर रहे हैं जो नेता नहीं कर पाते। तो दिक्कत है। जय भीम। जय भीम। क्या वो टीवी रहा है वो? तो दुनिया जहाँ जहाँ पे पैसों के पीछे भागती है, इस स्कूल में जो प्यून भी है मतलब गार्ड भी है वो भी यहाँ पे फ्री में सर्विस देते हैं। सर आप यहीं से हैं क्या? वाइन को खड़े हो रहे हैं। अच्छा इधर से इधर से इधर से इधर स्कूल आएगा ना। हाँ बस 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 आ रहे हैं। सर आप यहीं से हैं? यहीं से हैं। हाँ फ्री में जॉब करते हैं यहाँ पे, पैसे नहीं लेते हैं। पैसा नहीं लेते फ्री में। और कितने सालों से कर रहे हैं सर? जॉब करते हैं, पैसा नहीं लेते, अच्छा काम करते हैं। कितने सालों से? 3 महीना से। 3 महीना से ना। चलिए सर सही काम करते हैं। थैंक यू सर, ठीक अच्छा लगा आपसे। तो यार देखो अभी मैं हूँ बस स्टैंड पे और मुझे यहाँ मतलब जेकब भैया अपने दोस्त से मिलाने आए हैं। देखो मैं इसलिए मिलवाना चाहता हूँ कि आप कभी भी जयपुर आ रहे हो या रायपुर में आ रहे हो और किसी भी सोशल वर्कर से आपको ज़रूरत है या ब्लड की ज़रूरत है या किसी प्रकार की ज़रूरत है। ओह आ भी गए, आ जाओ मिलाते हैं। बस बढ़िया बढ़िया, दिक्कत नहीं? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे जेकब भैया थे और भी दोस्त हैं, बहुत अच्छा लगा। तो ये है बिट्टू भैया और देखिए शक्ल देखिए बीड़प्पन, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है। इनका इनके बारे में जेकब भैया ने जैसा बताया, जयपुर में आते हो और या जयपुर में कोई भी है किसी को भी किसी तरह की ज़रूरत हो या ब्लड की ज़रूरत हो या किसी सोशल वर्कर की ज़रूरत हो वो सब में ये अपना हाथ बटाते हैं, करवाते हैं या करते हैं। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, देखो ए पॉजिटिव मिलता ही नहीं है, रेयर पॉजिटिव है, ये रेयर ब्लड होता है। और दूसरों से भी मतलब बी पॉजिटिव या जो भी चाहिए दूसरे से अरेंज करा देते हैं। तो अपने बारे में कुछ बताइए सर, इतना मतलब आपके बारे में। आप कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 3 साल हो गया। 3 साल से? 3 साल से। मेडिकल सुपरवाइजर हूँ। मेडिकल सुपरवाइजर भी? सिक्योरिटी का। हाँ सिक्योरिटी का। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं से हैं या कहीं और से? जयपुर से। जयपुर से, खिस्टान पेटा। लेकिन हैदराबादी लगते हैं आप। चलते हैं। नहीं नहीं जान कहाँ रहे हैं अभी? अभी चलेंगे ना मेडिकल बस। अच्छा दोस्त लोग मिलेंगे। अच्छा घूम कर आएंगे ना। अच्छा अच्छा भी काम भी है ना आप? हाँ घुमाने के लिए। अच्छा मुझे घुमाने के लिए? अरे अरे बहुत 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 बढ़िया। देखो मतलब ऐसे लोग कम ही मिलते हैं यार कि अपना समय दूसरों के लिए देते हैं। देखो जेकब भैया तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छे लगे और उसके बाद उनके फ्रेंड से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो आप काम कर रहे हैं ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीरप्पन भैया, विद्यु भैया बैठो, चले बैठ सकते, सामान ले लूँ मैं अपना। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। टिफिन? हाँ अभी टिफिन वगैरह कर लिया मैं। तो फिर चलते हैं। हाँ ठीक है, ओके बाय। तो यार देखो अब यहाँ मैं 1 घंटे बैठूँगा क्योंकि 11:30 ट्रेन है और जेकब भी आप जाएंगे और बीरप्पन भैया भी जाएंगे, तो मिलके क्या बताऊँ, अच्छा से भी बहुत अच्छा जो होता होगा ना वो मुझे अच्छा यहाँ पे लगा है जेकब भैया के साथ। थैंक यू जेकब भैया। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आऊँगा जरूर। हाँ एक बार मिलते हैं आपको। हाँ मिलेंगे विद बीरप्पन। हाँ विद बीरप्पन भैया के साथ बीरप्पन मिलेंगे। हाँ 8 से 9 दिन यहाँ पे मैं स्टे किया हूँ जेकब भैया के साथ। ठीक है, थैंक यू, सी यू, बाय। चलिए मिलते हैं फिर। ठीक है ओके, मिलते हैं भैया। बाय 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 बाय। ओके फिर मिलेंगे। हाँ फिर मिलेंगे। ओके चार्निंग। हाँ थैंक यू। ओके हाँ। ओ भैया कैसे हो? हाय 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 हाय। ये यहाँ पे दोस्त बने हैं मेरे, देखो कैसे आएंगे पैरों के पास। मिलते हैं फिर। तो यार अब निकल चुके हैं हाड़कू वैली जो आंध्र प्रदेश में है। अभी जा रहे हैं स्टेशन पे क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन है 11:30 बजे जो जाएगी हाड़कू वैली है। और चलो मज़ा आएगा यार, ट्रेन से सफ़र करना वैली में अलग एक्सपीरियंस होगा। और भाई छोड़ने जा रहे हैं।
हेलो भैया, चलो चल तो निकलते हैं अब अगले स्टेट में, आंध्र प्रदेश। तो यार आ चुके हैं फाइनली रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन का नाम है जयपुर ओडिशा, मतलब जयपुर रेलवे स्टेशन है। और देखो भैया कितना ही खूबसूरत स्टेशन है, बहुत ही छोटा स्टेशन है। और बता दूँ, मुझे लगा था कि बिजला डोम पीछे से जुड़ के आता है, तो मैंने सोचा था ना बिजला डोम से सफ़र करने के लिए, लेकिन जो बिजला डोम है वो अर्गू वैली से आगे जाता है विशाखापट्टनम तक। तो मुझे यहाँ पे जनरल में टिकट लेना पड़ा है, 60 रुपये का पड़ा है। वह छोटा स्टेशन है फिर भी लोग आए हुए हैं। तो यार पूरा खाली है, कहीं पे भी बैठ जाओ क्योंकि पूरा जनरल डब्बा ही है। ओके भाई मिलते हैं फिर, ठीक है। भैया ने भैया छोड़ने आए थे ना। ओके थैंक यू, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे भैया, बाय। यार मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहने वाला ये जर्नी है। और इस रास्ते में इतने टनल है ना, कम से कम 30-40 टनल है जहाँ से स्टार्ट होती है विशाखापट्टनम तक जाते समय। लेकिन मैं जयपुर से सफ़र कर रहा हूँ अर्कू वैली तक, तो अभी तक मतलब 4-5 टनल गए हैं और बहुत बड़े बड़े हैं और भयंकर लग रहे हैं। पूरा पूरा खेतों में चल रही है हमारी ट्रेन। कहीं कहीं इंडियन रेलवे इतना खूबसूरत लगती है ना, मज़ा ही आ जाता है। मेरे हिसाब से मैं बोलूँ यही कि इंडियन रेलवे जो है ना वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत जर्नी देती है। वाह, तो गाइस फाइनली वेलकम टू आंध्र प्रदेश। ये अर्गू रेलवे स्टेशन, छोटा सा रेलवे स्टेशन है और बिजला डोम यहाँ पे लगा हुआ था। यहाँ से विशाखापट्टनम बिजला डोम जाता है और छोटा सा म्यूजियम बना हुआ है यहाँ पे। फिलहाल देखो यार बहुत ही खूबसूरत लग रहा है स्टेशन, सामने पूरा एकदम फॉग वाला पहाड़। अब ब्लॉग से भैया भैया लग रहा है, हाँ देखा होगा। फाइनली यार बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारा तीसरा स्टेट हो रहा है इस टूर से, 50 दिनों के टूर में, छत्तीसगढ़ ओडिशा एंड देन आंध्र प्रदेश। तो चलो देखते हैं क्या है स्टे करने का, या हॉस्टल वगैरह या होटल वगैरह जो भी होता है, या बताता हूँ फिर। तो भैया ये है मेन चौराहा, यहाँ के अर्कू वैली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मुश्किल है, अब देखो क्या होता है, शाम के 5:30 हो गए, रूम मिलता है या नहीं मिलता। तो यार मैं आधे घंटे से यहाँ पे घूम रहा हूँ होटल खोजने के लिए। होटल मिल रहा है लेकिन 800-900-1000 रुपये का, वाईफाई कहीं पे भी नहीं है और पता नहीं क्या होगा रात को। यार तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ विशाखापट्टनम, और यहाँ पे बैठ गया भैया। मैंने जलेबी और समोसे वगैरह खूब खाया, भाई लोग थे जयपुर से था, जोधपुर से। और भाई देखो मुस्कुरा रहे हैं, मंगल देवा भैया का नाम अलग है। ओके ब्रो, ठीक है फिर, है ना। अभी जा रहे हैं स्टेशन पे और वहाँ से 10 बजे ट्रेन आएगी जो सीधा विशाखापट्टनम, सुबह 3:30-4 बजे पहुँचेगी, तो ठीक है मेरे लिए। फिलहाल अंधेरा हो गया यहाँ पे और बारिश भी हो रही है। ओके भाई लोग,